आज़मी, असिस्टेंट डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल कामटी, और यहाँ का इंटेंसिव केयर भी मैं ही देखता हूँ, यहाँ का ICCU मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ सिटी हॉस्पिटल कामटी में कोविड को मान्यता 13 अगस्त 2020 में मिली थी, जब ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हुआ था। उस टाइम हमने 600 से ज़्यादा कोविड पेशेंट एडमिट किए थे, जिसके अंदर हमारे यहाँ 30 से 35 पेशेंट्स की डेथ हुई थी, बाकी सभी रिकवर होके गए थे। तो ये 6% के आसपास डेथ रेट आता है, 94% रिकवरी रेट आता है। उसके बाद हमने OPD से लेके IPD से लेके सभी पेशेंट्स हमने करा। मेरा नाम प्रवीण है, मेरे पिताजी को कोविड हुआ तो हमने उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ सुविधा बड़ी अच्छी थी उनका, बहुत जब हमने उनको एडमिट कराया उस समय उनका सैचुरेशन 92 था और वो उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो उनको एडमिट कराया। सब सुविधाएँ यहाँ पर अच्छी थी, तो अब वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। इस समय उसका सैचुरेशन 98 है और सब कुछ बहुत अच्छे से है। डॉक्टर साहब मैडम बहुत केयरफुल, तो सबका ध्यान रखते हैं पेशेंट का। अभी नागपुर कामटी के सिटी हॉस्पिटल में। यहाँ बिल वगैरह का कोई दिक्कत आ रही है? बिल वगैरह कोई दिक्कत नहीं आया, जो भी बिल है वो गवर्नमेंट रेट से बना, उसके उसमें भी उस रेट में भी सर ने डिस्काउंट कर दिया। क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है मेरा। प्रवीण, पूरा नाम बताइए। प्रवीण सिंह। और किस तरह की आपको सुविधा, आपके पेशेंट को सुविधा मिली? पेशेंट को सुविधा रहने खाने हर चीज़ की, दवा सब चीज़ें जो एक पेशेंट को जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हर रिक्वायरमेंट पूरी की गई सिटी हॉस्पिटल में। मरीज ने जो स्वास्थ्य लाभ मिला है उससे आप खुश हो? हाँ, उसे हम बहुत अधिक खुश हैं सिटी हॉस्पिटल में। और हमारे IPD पेशेंट्स कम से कम उसके बाद भी कंटिन्यूस चालू रहा, और ये मार्च तक हमने और 300 पेशेंट्स का इलाज किया। साथ में OPD पेशेंट जो थे वो हमने कम से कम लगभग 1500 देखे हैं, जिनका हम घर पे रख के, होम क्वारंटीन रख के, आइसोलेशन करके उनका ट्रीटमेंट पूरा कर रहे थे, जो RT-PCR पॉजिटिव आए थे। मार्च में अभी ये दूसरी लहर जो आई है कोविड की, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, 1 मार्च से अभी तक हमारे पास 250 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, लेकिन इस बार हमारा डेथ रेट पहले से थोड़ा सा कम है, जबकि बाकी जगह बताया जा रहा है कि इस बार ज़्यादा डेडली है, डेथ रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 250 पेशेंट्स में लगभग 12 के या 14 के आसपास पेशेंट्स की डेथ हुई है, जो कि ऑलमोस्ट इस बार 5% से भी कम आता है। इतना होने अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके हॉस्पिटल में काफ़ी वीडियोज वायरल हो रहे हैं जी, तो क्या बात है ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं लोग? जी, वो सरासर मनी एक्सटॉर्शन का केस है बेसिकली, क्योंकि जिन्होंने भी वहाँ पे वीडियो में आप देखोगे कि जो 3 लोगों ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा हो हल्ला किया है, वो तीनों का रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने उनको बुला के पर्सनल वीडियो बनाया हूँ और उनसे मैंने डायरेक्टली पूछा हूँ कि आपको किसने बहकाया था, तो उन्होंने नाम भी लिया कि फला फला बंदे ने हमारे को बहका के लेके गया था। और हम उस टाइम इमोशनली स्टेबल नहीं थे, क्योंकि हमारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमको जितना ज़्यादा चिल्लाना था, जो चिल्लाना था, उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैंने उनको, एक लेडीज़ थी जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी उसमें, उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैंने केवल 7000 रुपये में उनको उस टाइम, क्योंकि मेरे यहाँ की सिस्टर है, उनकी वो नानी थी, तो मैंने कितने कम में किया, क्या किया, 7000 में विथ मेडिसिन क्यों किया, वो सब उनको पता है। और वो अभी भी वही कह रहे हैं कि हमारे को बहका के लेके गया गया था, जिसकी वजह से हम शर्मिंदा है, और उन्होंने उस चीज़ के लिए हमसे माफ़ी भी मांगी है। डॉक्टर तंजीम जी, हमें ये बताइए कि जो परिजन लोगों ने कुछ आरोप ऐसे भी लगाए हैं कि बिल पे ज़्यादा वसूली की गई है, जबकि उन्होंने ये भी डिमांड की कि उसका ऑडिट होना चाहिए, तो आपको इस बारे में क्या प्लस है? हम ऑडिट के लिए तो अभी भी तैयार है। हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि आप एक ऑडिटर को यहाँ पे बिठा दो और हमारे हर बिल पे ऑडिटर चेक करेगा, उसको अगर लगेगा बिल अगर करेक्ट है तो उसके ऊपर वो साइन कर देवे, ताकि हमारे को भी पेशेंट से पूरा पूरा पैसा लेने के लिए एक अधिकार रहे ना। हर बिल में पेशेंट का रिलेटिव आता है, ये कम करो, ये ज़्यादा करो, उससे अच्छा सीधा रहे कि ऑडिटर का साइन रहे तो एक ठप्पा लग जाता है कि नहीं भैया आपको इतना फला फला बिल देना ही देना है, क्योंकि ये बिल एकदम लीगली शासन के मान्यता के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारी भी आधी ज़्यादा झंझट कम हो जाएगी। अगर ऑडिटर आता है तो हम तो चाहते हैं कि ऑडिटर हमारे हॉस्पिटल में बैठा रहे 24 घंटे, हम तो उसको वेलकम करने को रेडी है। अभी आज की स्थिति में आपका जो सिटी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है, तो आज की स्थिति में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है और बेड की स्थिति क्या है उस बारे? देखिए, आप पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर, अब ऑक्सीजन की बात निकली तो आप देख सकते हो 100 सिलेंडर लग रहे ऑक्सीजन के, 250 के दिन के अंदर 24 घंटे का इधर आओ, 1 घंटे में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहे हैं? 10, मतलब 240 से 250 सिलेंडर
24 घंटे में लगे। ठीक है काका जी, थैंक यू। इतने सिलेंडर हमको डायरेक्टली लग रहे हैं। सेवा के प्रति समर्पित हो, समर्पण की आपकी भावना है। अभी ये जो पैनेडेमिक है, इस समय काफ़ी लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल कर रहे हैं उस बारे में बताइए। सर आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा घर ऊपर ही है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, हम लोग ऊपर ही रहते हैं। हमने कभी उनके जान की फिक्र नहीं करे। मैं और मेरी वाइफ कंटिन्यूस आपको नीचे देखेंगे 24 घंटा। हम कोविड पेशेंट से जाके हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, इनफैक्ट हम उनसे गले भी लग जाते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कोविड हम हमारे घर लेके चले जाएंगे। ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसें बंद कर दी है कोविड के दौरान, ऐसे कितने लोग हैं। ये और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जो चले जाते हैं तो उसके बाद देखने तक के नहीं आते कि हाथ लगाएंगे तो हमारे बच्चे को कोविड हो जाएगा। तो क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है, कि हमारे बूढ़े माँ बाप नहीं है, या हमारी जान नहीं है, या हम इतने सस्ते आए हैं इस दुनिया में। कुछ मरीज जो है उनके परिजन विरोधाभास बयान कर रहे हैं, उस बारे में आपका क्या खुलासा? वो तो उनके शहर पे कर रहे हैं। देखिए वो तो जैसे मैंने बताया ना वीडियो में, उस लड़की ने तो सीधा बोली ना कि मेरे को बहकाया गया था और मुझे फंसा बहला बहका के लेके गया जाया गया था। और उस और मेरी जो बात है उस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने, किसी ने पॉलिटिकली उठाया, किसी ने इमोशनली उठाया, जितने भी लोग थे अपना फ़ायदा उठाया। उसने बाद में ये भी बोली है कि मैं उनके खिलाफ़ FIR अगर मैं करता हूं तो बोले मैं बयान देने को रेडी हूं, और अगर वो लोग इसी तरीके से पेश आए और बाज नहीं आए तो मैं उनके खिलाफ़ FIR जाके बिल्कुल करूँगा। मेरे पास पूरा सबूत है उसके खिलाफ़। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूँ किसी से। अच्छा एक ये भी देखा गया वीडियो में कि आप उनको प्रिंट बिल नहीं दे रहे हैं, मतलब कच्चा बिल दे रहे हैं, वो क्या है? वो कच्चा बिल जो दिया गया था, कच्चा बिल WCL वाले को दिया गया था, क्योंकि वो WCL रिटायर्ड थी, और WCL रिटायर्ड के लिए बहुत बारीक बिल बनाना पड़ता है। एक एक चीज़ आप देख रहे हो, एक एक दिन में 10 से 12 पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे, 10 से 12 पेशेंट एडमिट हो रहे, और कोविड पॉजिटिव है सभी के सभी, डेडिकेटेड कोविड होने की वजह से। तो इस कारणवश बिल बना पाना बहुत तकलीफ होता। हमने पिछली बार भी 600 पेशेंट एडमिट करे थे, हमने हर एक को पक्का बिल दिए। आप पिछली बार का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए ना, कोई भी एक ये कह दे कि हमारे को बिल पक्का नहीं दिया गया है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जब हम पिछली बार नहीं करे तो हम इस बार क्यों करेंगे।